अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तो ऐसे में हरदोई के शाहबाद में कात्यायनी शक्तिपीठ पर 11 करोड़ राम नाम मंत्र लेखन यज्ञ हो रहा है। यहां लिखे गए 11 करोड़ राम नाम लेखन निधि को 20 जनवरी को अयोध्या ले जाया जाएगा और वहां भगवान राम को समर्पित किया जाएगा। वहीं स्वामी आत्मानंद गिरी ने बताया कि 19 जनवरी को पूर्णाहुति होगी और 20 को इन्हें लेकर अयोध्या जाएंगे। स्वामी आत्मानंद गिरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा है कि राम नाम के इन लेखन को अयोध्या में नवनिर्मित श्रीराम मंदिर में लगवाया जाएगा। कहा कि शरीर का भोजन अन्न है, मन का भजन तो ये श्रीराम लला को अर्पित होंगे, जिससे श्रीराम लला बलिष्ठ होंगे और भारत के साथ विश्व का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 500 सालों की तपस्या पूरी होती नजर आ रही है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर अपना भव्य और दिव्य स्वरूप ले रहा है, जिसमें श्रीराम विराजमान होंगे। स्वामी आत्मानंद गिरी, दीक्षा गुरु स्वामी यतेंद्रानंद गिरी जी महाराज, ये भारत माता मंदिर हरिद्वार संन्यास परंपरा का सन्यासी हैं हम लोग, और जो हमारे चाचा गुरु हैं आदरणीय गोविंद देव गिरी जी, वो इस तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, और आदरणीय चंपत राज जी के द्वारा हमको पत्र प्राप्त हुआ और कार्ड भी, निमंत्रण पत्र भी प्राप्त हो गया है। तो हमारा भी भाव आया कि भाई हम भी कुछ न कुछ अर्पित करें। तो भाव ये बना कि शरीर का भोजन अन्न है, तो विग्रह का भोजन भजन। तो हमने अपने सभी भक्तों से, कात्यायनी शक्तिपीठ परिवार से निवेदन किया कि सभी लोग श्री राम श्री राम श्री राम लिख करके हमें दें। सभी ने बड़े उत्साह से हामी भरी, तो संकल्प 11 करोड़ का लिया गया। 5 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है और आज तारीख हो गई है 12, तो 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन में 250 लोग निरंतर ये लेखन कार्य कर रहे हैं। राम राम श्री राम श्री राम श्री राम लिख रहे हैं, और इसका कारण ये है कि मतलब ये राम का इस प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए हम लोग इसको अपने हृदय के सुमन श्रद्धा सुमन वहाँ पे भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ पे भेज रहे हैं, क्योंकि राम ही सब कुछ है, राम ही मेरे माता, राम ही पिता है, राम ही सब संसार में रोम रोम में राम बसा हुआ है, मेरे प्राण सब कुछ राम ही है। क्या नाम है? उषा दीक्षित। हमारे यहाँ 5 जनवरी को कात्यायनी मंदिर में वहाँ से न्योता आया अयोध्या से राम प्रतिष्ठा का, तो वहाँ पर 11 करोड़ लिखने के लिए एक हुआ है, तो हम लोग 11 करोड़ श्री राम लिख रहे हैं। और हम लोगों का बस यही उद्देश्य है कि अगर हम लोग वहाँ तक ना जा सकें तो कम से कम अब न्योता आया तो कुछ ना कुछ तो भेजनी पड़ेगा, इसलिए हम लोग श्री राम लिख कर वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं भगवान श्री राम के लिए, बस हमारा यही एक उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? सारिका मिश्रा। मैं कॉपी पे राम श्री राम लिख रही हूँ शक्तिपीठ, कात्यायनी शक्तिपीठ में, और अयोध्या जी में 22 तारीख को राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसलिए यही राम नाम वहाँ हम भेजना चाहते हैं, क्योंकि हम वहाँ जा नहीं सकते, और हमें बहुत खुशी है कि वहाँ राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन क्या हम मतलब कुछ वजह है जिससे कि हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, यही कॉपी में राम नाम लिख के वहाँ हम अपने भेजेंगे। लगभग कितनी संख्या में आप लोग राम राम लिख रहे हैं? हमने कम से कम नहीं तो 4000 लिखा है, 4000 राम श्री राम लिखे हैं। क्या नाम है आपका? कामनी वाजपेयी। बता दी कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर को लेकर धर्मनगरी में जहां खासा उत्साह है, वहीं पूरे देश में भी श्री राम नाम की गूंज है। कात्यायनी शक्तिपीठ शाहबाद में श्री राम नाम मंत्र लेखन यज्ञ हो रहा है, जिसके तहत 11 करोड़ राम नाम लेखन मंत्र का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ये बढ़कर ज्यादा हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।